नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम किक की लेयरिंग करना सीखने वाले हैं। डेप्थ में देखेंगे कि किस तरीके से किक के जो सैंपल्स होते हैं उनका हमको सिलेक्शन करना चाहिए। और आज मैं स्टॉक सैंपल्स का ही यूज़ करने वाला हूँ जो FL स्टूडियो के साथ आते हैं। दोस्तों, लेयरिंग करने से जहाँ हमारे सॉन्ग में एनर्जी बढ़ती है, वहीं हमारी जो लेयरिंग की वजह से जो नया सैंपल जनरेट होता है उसका साउंड अलग होता है। तो आपके लिए वो आपके सॉन्ग के लिए अलग बिल्कुल सैंपल हो सकता है, तो इसलिए लेयरिंग इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने आपको काफ़ी बार लेयरिंग भी करके बताई हुई है, लाइव वीडियो में करके बताई थी। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लेयरिंग के बारे में। अब मैं आपको आज स्ट्रोक वाले साउंड से उनकी लेयरिंग करके बताने वाला हूँ। अभी आप देखो तो एक बार मैं आपको ये जो ड्रॉप वाला सेक्शन है बूम बटन बीट का, तो मैं आपको एक बार वो सुनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर किक को मैंने साइलेंट कर दिया है और हम यहाँ पर अभी स्टॉक जो किक आती है FL स्टूडियो की, उनमें से कुछ लेंगे, उनकी लेयरिंग करके यहाँ पर उनको यूज़ करेंगे। तो एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। उससे पहले मैं आप लोगों से ये और कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे मैं किस तरीके का कंटेंट लेके आता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो चलिए एक बार इस बीट को सुन लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें मैंने किक को साइलेंट कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें एक इस तरीके की किक सेलेक्ट करने वाले हैं जिसमें पंचीनेस हो। अब पंचीनेस क्या होती है, मैं एक बार आपको किक का साउंड सेलेक्ट करके बताऊंगा, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा एक अलग ही पंच आ रहा होगा, है ना। पंचीनेस, पंच, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको साउंड जब मैं सुनाऊंगा तब तो आपको पता चलेगा। तो हमें वो वैसा साउंड चाहिए, तो अभी देखते हैं, सुनते हैं फिर। तो मुझे ये सैंपल पसंद आ रहा है। अब मैं इस सैंपल को लोड कर लेता हूँ ड्रैग करके। मैं इस सैंपल को एक बार सेट और कर लेता हूँ अपने इस सॉन्ग में कि किस तरीके का साउंड आना है इसमें। अभी हो सकता है आपको किक का साउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा सुनाई दे रहा हो, तो मैं उसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं। तो ठीक है, अभी सब साउंड मेरे को बढ़िया दिख रहा है। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसमें अगर हम इस किक को सोलो करके सुनते हैं, तो इसमें आपको ध्यान से सुनने पर पता चलेगा, एक तो आपको हेड का साउंड जुड़ा हुआ सुनाई दे रहा है, तो हेड से हाई एंड इसका भर रहा है, और एक इसमें पंचीनेस आ रही है जिससे थोड़ा सा इसका हाई एंड, जो मिडिल और हाई बैंड है वो बढ़ रहा है। मैं एक बार आपको EQ ओपन करके दिखाता हूँ। पैरामीट्रिक EQ में आप ज़्यादा बढ़िया देख पाओगे इस चीज़ को। फिल्टर में पैरामीट्रिक EQ मैंने ओपन कर लिया है, तो अभी आप देखो इसको। तो ये जो हिस्सा है ना, आप ये ध्यान से सुनो तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर एक अलग एनर्जी है। ये हेड का साउंड आ रहा होगा यहाँ पर। एक बार मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्लिक करके देखता हूँ, तो ये देखो हेड का हल्का सा साउंड आपको सुनने को मिल रहा है, और ये आ रही है पंचीनेस, है ना। तो मिडिल और हाई बैंड में पंचीनेस आ रही है इस साउंड में। तो अभी मेरे को इसका जो लो एंड है ना वो कमजोर लग रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक और किक को हम यूज करना चाह रहे हैं जिसमें लो एंड मजबूत हो। अब जैसे ये वाली किक है ना, इसमें लो एंड बहुत अच्छे तरीके से भरा हुआ है, तो अब मैं
इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको ड्रैग कर लिया और अब मैं इसको भी इस तरीके से असेंबल कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये मैंने सभी को असेंबल कर दिया है, अब भी इसको एक बार सुन लेते हैं, वॉल्यूम लेवल भी इसका सेट कर लेते हैं सुनते सुनते। पूरे सॉन्ग के साथ इसको सुनते हैं। अब देखो मैं एक बार ये किक्स दोनों को सोलो करके बताता हूं आपको। तो अभी केवल एक किक को हम सुनते हैं और अब दूसरी किक को सुनते हैं और अब दोनों को सुनते हैं। तो अभी जो किक आ रही है उसमें आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर कर पा रहे हो दोनों को एक साथ सुनने पर, तो आपको लो एंड भी अच्छा मिल रहा है और हाई एंड भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाली है जो ऊपर पंचीनेस जिसमें से हम ले रहे हैं ना, उसमें भी लो एंड है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस वाली किक में जो हाई एंड है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग मिक्सर देते हैं और उन मिक्सर्स में हम ईक्यू लगाएंगे। तो अभी जो हमारे पास मिनिमल किक है इसको मैं लिख देता हूँ लो किक, है ना, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, लो किक है ना, और इसको हाई किक लिख देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई बार हो सकता है आप जो साउंड थर्ड पार्टी साउंड होते हैं सैंपल होते हैं उनको आप परचेज नहीं कर पाओ, तो आप स्टॉक प्लगइन्स का यूज़ करके आप इसकी मदद से आप बहुत अच्छे अपने सैंपल खुद की बना सकते हो। अब आप देखो कि ये मैंने क्या किया है कि दोनों जो किक के साउंड हैं इनको मैंने, अब मैं इनमें एडिटिंग करने वाला हूँ। तो लो किक में मेरे को लो एंड रखना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और पैरामीटर ईक्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और फिल्टर में जाकर पैरामीटर ईक्यू ले लिया है। अब ये ध्यान रखना, आपको ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी जरूर याद रखना आप किस फ्रीक्वेंसी पर इसको छोड़ रहे हो। तो जैसे लो किक है, इसको एक बार मैं सोलो करके सुन रहा हूँ मेरे को कितना एरिया इसका रखना है और फ्रीक्वेंसी मैं नोट करूंगा इसकी यहाँ पर। तो मैं इसको 300 तक के आसपास रख रहा हूँ, देखो ऊपर आप यहाँ पर देखोगे तो 300 आ रही है, ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। और अब मैं इसको कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ दूसरी किक में और यहाँ पर अब मैं इस किक को भी सोलो कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अगेन पैरामेट्रिक ईक्यू यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर अब मैं करने वाला हूँ हाई कट, सॉरी लो कट मैंने हटा दिया, हाई पास करने वाला हूं अब मैं इसमें। तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं और 300 के आसपास ही मैं इसको रखने वाला हूं। तो अभी हमने इसमें से लो कट कर लिया है और इसको लो कट को हाई पास भी बोलते हैं। तो अभी इसका मैंने लो एंड हटा दिया है, ये ध्यान रखना आप, है ना। अब मैं इन दोनों किक को अगर एक साथ सुनता हूं तो आप देखो, है ना, अब आपका जो किक का साउंड है ना वो पहले से ज्यादा क्लियर हो गया है। अगर हम पहले का साउंड सुनते हैं तो कैसा साउंड है, ये दोनों किक आपस में लड़ रही हैं, और अब का साउंड सुनते हैं तो क्लैरिटी आ रही है ना। तो ये हमको क्लैरिटी इस तरीके से लेयरिंग में मिलती है। हो सकता है आपके पास और भी कोई साउंड हो आप इसमें जोड़ना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। अभी आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये सैंपल है ना, आप इसको देखना कि इसमें अभी जो लो एंड है ना थोड़ा सा लंबा आ रहा है, आप चाहो तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आउट वाली जगह पर अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, है ना, और इस सैंपल को थोड़ा सा अब हम सुनते हैं। तो देखो आपने थोड़ा सा लो एंड है ना उसकी टाइमिंग को कम कर दिया है। तो आप इस तरीके से अपने सैंपल्स में लो एंड को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं अगर इसको प्ले करके देखता हूं इस बीट के साथ, अब देखो इसमें आप लो एंड में चाहो तो कोई प्रोसेसिंग भी कर सकते हो क्योंकि, और ये ध्यान रखना जो आपने ईक्यू का लेवल रखा है ना वो सबसे नीचे हो, प्रोसेसिंग में सबसे नीचे हो ईक्यू का जो आपने अभी प्रीसेट बनाया है। अदरवाइज आपने अगर इसके बाद से ईक्यू के बाद अगर सेचुरेशन लगाया कुछ भी डिस्टॉर्शन लगाया
तो वो फिर फैल जाएगा दोबारा। इसलिए ईक्यू को सबसे नीचे रखना है। आप चाहो तो इनके जो साउंड है उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसमें चाह रहा हूँ कि मेरे को जो पंचीनेस है वो ज़्यादा चाहिए, तो मैं पंची वाले लो वाले का वॉल्यूम कम कर दूंगा, और अगर लो में जो मेरे को एनर्जी आ रही है वो ज़्यादा चाहिए तो मैं हाई वाले का वॉल्यूम कम कर दूंगा। तो इस तरीके से आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपना ही एक साउंड बना सकते हो। तो जैसे मैं अभी इनको भेजता हूँ, इन दोनों किक्स को भेजता हूँ एक नए मिक्सर पर, और साइड चेन टू दिस सॉरी राउट टू दिस ट्रैक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर पैरामीट्रिक ईक्यू को ओपन कर लेता हूँ, सॉरी पैरामीट्रिक ईक्यू नहीं, एडिशन को ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इस किक को जो मैंने बनाई है इसको मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड बटन को एक्टिवेट कर दिया है, तो ये मैंने जो साउंड दिया ये किक का साउंड आ चुका है। ये मेरी खुद की बनाई हुई किक आ चुकी है। अब आप देखो, तो अब मैं एक बार और आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इसमें लो एंड भी अच्छा आ रहा है, और आपने अपना एक सैंपल बना लिया। अब आप चाहो तो इन जो सैंपल आपने बनाए थे इनको आप हटा सकते हो, या इन्हीं के ऊपर मैं ड्रैग कर देता हूँ इसी सैंपल को। तो अभी मेरे को इसमें आगे से कट करना पड़ेगा, जो खाली वाला पोर्शन है उसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया ये, और यहाँ से बाद वाला सैंपल डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास हमारा सैंपल आ चुका है। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ हमारी पुरानी किक पर ही कर दिया जैसे, है ना, और इसको हटा देता हूँ। अब मैं बाकी जो है ये हटा दिया है मैंने, और ये यहाँ पर से मैं ईक्यू भी हटा देता हूँ। तो अभी पूरा सैंपल मेरा लोड हो चुका है, और मैंने एक नया खुद का सैंपल बना लिया है। हो सकता है मेरे को ये परचेज करना पड़ता, लेकिन लेयरिंग की मदद से मैंने अपना खुद का सैंपल बना लिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो अभी इसमें एक बात और है कि अब आपको थोड़ा सा ये जो बेस है इसकी मिक्सिंग करनी पड़ेगी, और आप इसकी मिक्सिंग कर लोगे तो आपका सब चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं इसको अभी नॉर्मलाइज और कर देता हूँ इस सैंपल को। नॉर्मलाइज करने के बाद इसका साउंड और बढ़ जाएगा। तो देखो ये हमने बेस की मतलब किक की लेयरिंग करके हमने अपना खुद का सैंपल बना लिया, और आप इस तरीके से किसी भी सैंपल के साथ कर सकते हो। बेस जो साउंड होते हैं, बेस गिटार के जो साउंड होते हैं, आप उसमें 808 का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उसमें लो एंड में एनर्जी नहीं मिल रही है तो आप वहाँ पर लेयरिंग करके लो एंड में एनर्जी डाल सकते हो 808 का यूज़ करके। और लीड जैसे अलग अलग साउंड होते हैं ना, लीड में भी हम लेयरिंग करते हैं, तो उसमें भी आप इस तरीके से कटिंग करके, ईक्यू की कटिंग करके, या फिर एक कर्व बनाकर उसमें आप जहाँ पर जो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी या साउंड डालना चाह रहे हो इस तरीके से आप लेयरिंग कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।